मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई <coughs> अब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ इस रीजन में सारी मैग्नेटिक फील्ड है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस उसमें मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है और वो फोर्स लगाने का जो डायरेक्शन होता है फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी वाले फॉर्मूले से ठीक है अब इसमें क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है जो फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है इसीलिए वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के समझ में आई बात इसका मतलब एफ वी के परपेंडिकुलर है वी बी के परपेंडिकुलर है बी एफ के परपेंडिकुलर है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है आई बात समझ में तो यहां से मेरे को डायरेक्शन अगर मैं चेक करता हूं तो मैं राइट हैंड पाम रूल से इसकी डायरेक्शन निकाल सकता हूं डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा इसको फर्स्ट वेक्टर मानूंगा इसको सेकंड वेक्टर मानूंगा इसको थर्ड वेक्टर मानूंगा राइट right हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करूंगा तो आप मेरे साथ करिए राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वैक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करिए यानी कि विलोस्टी कहाँ है प्लस एक्स डायरेक्शन में तो विलोस्टी है इस डायरेक्शन में ठीक है अच्छा और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, है स्क्रीन के अंदर। तो का पॉइंट कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो अगर इस पर फोर्स इधर लग रहा है तो आप देख सकते हो कि फोर्स और वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है अब एक बात आप ध्यान से देखो कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की विलॉसिटी होती है उसका डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होता है भाई अगर एक चार्ज पार्टिकल है उसकी विलोसिटी की डायरेक्शन इधर है तो मूव भी तो इधर ही करेगा तो विलॉसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम रहेगा तो यानी कि फोर्स ऊपर लग रहा है वेलोसिटी इधर है एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट भी इधर है सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में और दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हुए जब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तब तब वर्क डन बाय दैट फोर्स क्या होता है जीरो होता है ऐसा ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स में भी होता है जब सन सॉरी जो अर्थ है वो सन के अबाउट घूमती है तो जो सन उस पर फोर्स लगा रही है ग्रेविटी फोर्स उसका वर्क जीरो आ जाता है अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिट में घूम रही है तो तो यहां से मेरे को पता लग गया कि यहाँ जो वर्क डन आएगा टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ग्रेविटी सॉरी मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो वर्क कर रहा है

तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई वर्क नहीं करती इसी वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती इनिशियली जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है फाइनल भी उतनी ही रहती है बट उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाता है जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा होता है वो हो चेंज हो जाएगा यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी बट स्पीड चेंज नहीं होगी स्पीड चेंज नहीं होगी इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले भी टी थी और अभी भी टी रहेगी सो द आंसर इज ऑप्शन ए थैंक यू फॉर वॉचिंग